मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 10x - 10x1, देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज ए इनवर्स इक्वल टू व्हाट। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है जो कि गेट में पूछा गया था, और इसके ऑप्शंस दे रखे हैं ए sec स्क्वायर एक्स, बी cos 4x, सी 1 और डी 0। तो चलिए इसके सॉल्यूशन की तरफ में देखते हैं हम किस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इजी तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा। सो गिवन मैट्रिक्स जो हमें दे रखा है, गिवन दैट कि ये जो ए मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए इक्वल टू क्या दिया हुआ है हमें कि 1 10x 1 10x और माइनस का 10x1, राइट। अब इसका डिटर्मिनेंट अगर हम निकालेंगे तो डिटर्मिनेंट आपका ये आ जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर x, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है उसकी तरफ में चलते हैं। क्या हमें बोला है निकालने के लिए, फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज और ए इनवर्स, ये हमें बोला गया है। तो डिटर्मिनेंट अगर रहा ए बी का तो कैसा हो जाएगा कि ए का डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज और डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स, ठीक है। और यहाँ पे हमें एक चीज देखने को मिलेगी कि हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट और ए का डिटर्मिनेंट दोनों सेम होते हैं, इनटू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। बिकॉज ऐसा कैसे हुआ, बिकॉज कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स क्या रहेगा, ये 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। इस तरह से हो गया। फिर यहाँ पे हमने कैलकुलेट कर ही लिया है, ये तो हमने कैलकुलेट कर लिया है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है, 1 प्लस 10 स्क्वायर x इंटू 1 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर x, ठीक है। सो यहाँ से ये दोनों कैंसिल होने पे हमें 1 मिल जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन सी है, इज करेक्ट, राइट। तो हम इसको ऑप्शन सी पर क्लिक कर देते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, बने रहिए हमारे साथ में हमारे इस चैनल पर न्यू अपडेट क्वेश्चंस के लिए।